हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएचडी कार्स। और भाई टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स इन जुलाई 2023, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो 10 गाड़ियां हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। पूरे भारत में कौन सी गाड़ियों ने अपना दमखम दिखा के इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, और एक गाड़ी जो पिछले कई महीनों से इस लिस्ट में थी वो भाई बाहर हो चुकी है, और इन 10 के 10 गाड़ियों की क्या माइलेज है, किस ट्रांसमिशन में मिलती है, किस इंजन में मिलती है, क्या नया एक्सशोरूम प्राइस है, वो सारा कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पे आती है मारुति इको। मारुति की ये गाड़ी मल्टी यूजेज व्हीकल है और कई सारे कामों में इस गाड़ी को यूज किया जाता है। मारुति इको की 12,037 यूनिट्स बिकी है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के इंजन में ये गाड़ी मिलती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही इको मिलती है। इको की जो एक शोरूम प्राइस है वो शुरू होती है 5,27,000 से और जाती है 6,53,000 तक। 20 से लेकर 26 तक की जो माइलेज है पेट्रोल और सीएनजी में वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। यानी कि मारुति इको अपने आप में जबरदस्त गाड़ी है। पहले भी कई महीने ये गाड़ी इस लिस्ट में रह चुकी है और दोबारा से भाई लिस्ट में एंटर कर चुकी है। नंबर 9 पे आए तो आती है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन पिछले महीने 5 नंबर पे थी, लेकिन 4 पायदान खिसककर अब की बार 9 नंबर पे आ चुकी है। टाटा नेक्सॉन की 12,349 यूनिट्स बिकी हैं। पेट्रोल, डीजल और ईवी तीनों इंजन में ये गाड़ी मिलती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन में मिलती है। टाटा नेक्सॉन की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 7,80,000 से और जाती है 19 लाख रुपए तक। यानी कि 19 लाख रुपए ईवी के लिए आपको पे करने पड़ते हैं। 16 से लेकर 22 तक की जो माइलेज है पेट्रोल और डीजल में वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। और इतने दिनों से ये गाड़ी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलती है, यानी कि टाटा का जो नाम है वो टाटा नेक्सॉन पूरी तरह से भाई रोशन कर रही है यहाँ पे। नंबर 8 पे आए तो उससे पहले एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी और आप टेंशन में है कि उसके पार्ट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे मार्केट में, तो उसकी जो टेंशन है वो भाई आप बुडमो पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बुडमो पे हर गाड़ी के आपको पार्ट्स मिल जाते हैं। चाहे नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, हर गाड़ी के पार्ट्स आपको बुडमो पे अवेलेबल मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने पार्ट मंगा लिया और हो सकता है कि वो गाड़ी में फिट ना हो या कोई भी इश्यू हो, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। 10 डेज की जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी आपको बुडमो पे मिलती है। तो भाई पार्ट्स की टेंशन छोड़ो और अपनी गाड़ी के साथ खुश रहो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आती है मारुति वैगनार, और सबसे बड़ा जो झटका है, जो उलट फेर है, वो ये है कि पिछले महीने की नंबर 1 रहने वाली जो गाड़ी है मारुति वैगनार, वो इस महीने 8 नंबर पे धकेल दी गई है। कारण क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतनी ही गाड़ी बिकी है कि 8 नंबर की जो पोजिशन है वो वैगनार पकड़ सके। मारुति वैगनार की 12,970 यूनिट्स बिकी है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के इंजन में गाड़ी मिलती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन में मिलती है। मारुति वैगनार की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 5,54,000 से और जाती है 7,42,000 तक। 24 से लेकर 34 तक की जो माइलेज है वो पेट्रोल और सीएनजी में कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। यानी कि जबरदस्त माइलेज मारुति वैगनार आपको दे सकती है। माइलेज मशीन भी आप इस गाड़ी को कह सकते हैं। बढ़िया गाड़ी है, स्पेशियस कैबिन है और लोग दबा के इस गाड़ी को खरीदते हैं। लेकिन इस महीने यानी कि जुलाई 2023 में 8 नंबर की पोजीशन से ही वैगनार को संतोष करना पड़ रहा है यहाँ पे। नंबर 7 पे आए तो आती है मारुति फ्रोंक्स, और लॉन्च होते ही फ्रोंक्स ने बढ़िया मार्केट पकड़ी है, क्योंकि कई सारे सेगमेंट के जो बायर्स हैं वो इस गाड़ी की तरफ खींचे चले आए हैं। 13,220 यूनिट्स बिकी हैं फ्रोंक्स की। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन आपको गाड़ी में मिल रहे हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। मारुति फ्रोंक्स की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 7,46,000 से और जाती है 13,13,000 तक। 21 से लेकर 28 तक की जो माइलेज है पेट्रोल और सीएनजी में वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। बढ़िया गाड़ी है, लुकवाइज बड़ी लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, तो बलेनो लेने वाले लोग अक्सर इस गाड़ी की तरफ मूव हो सकते हैं।
छह नंबर पे आए तो आती है मारुति डिजायर, यानी कि मारुति की जो टॉप सेलिंग सेडान है वो फिर से इस लिस्ट में वापस आ चुकी है, क्योंकि पिछले महीने ये गाड़ी इस लिस्ट से बाहर थी। मारुति डिजायर की 13,395 यूनिट्स बिकी हैं। पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में गाड़ी मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलती है। डिजायर की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 6,51,000 से और जाती है 9,39,000 तक। 23 से लेकर 31 तक की जो माइलेज है पेट्रोल और सीएनजी में, वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। अपनी माइलेज इंजन परफॉर्मेंस की वजह से ही ये गाड़ी मार्केट में इतना बिकती है। नंबर 5 पे आए तो आती है ह्युंडई क्रेटा। ह्युंडई क्रेटा पिछले महीने 3 नंबर पे थी, लेकिन 2 पायदान धकेल कर पीछे कर दी गई है। यहाँ पे क्रेटा की 14,062 यूनिट्स बिकी हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के इंजन में क्रेटा मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन में मिलती है। क्रेटा की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 10,87,000 से और जाती है 19,20,000 रुपये तक। 17 से लेकर 23 तक की जो माइलेज है वो पेट्रोल और डीजल में कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। और इतने दिन हो गए भाई, क्रेटा इस लिस्ट से बाहर होने का नाम नहीं लेती है। चाहे लोग कुछ भी कहें कि मॉडल पुराना हो गया, अपडेट की ज़रूरत है, लेकिन आज भी क्रेटा दबा के मार्केट में बिक रही है और अपनी जो जगह है वो टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में हर महीने बना लेती है। नंबर 4 पे आए तो आती है मारुति अर्टिगा। मारुति अर्टिगा ने भी जबरदस्त कमबैक किया है और चौथे नंबर की जो पोजीशन है उस पे छलांग मार के आके बैठ चुकी है। 14,352 यूनिट्स बिकी हैं अर्टिगा की। पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के इंजन में मिलती है अर्टिगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलती है। मारुति अर्टिगा की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 8,64,000 से और जाती है 13,08,000 तक। 20 से लेकर 26 तक की जो माइलेज है पेट्रोल और सीएनजी में, वो कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। 7 सीटर गाड़ी है और सीएनजी में एक अर्टिगा ही है जो 7 सीटर में आपको मिल सकती है, तो बढ़िया गाड़ी है। टूर वगैरह के लिए लोग इस गाड़ी को दबा के खरीदते हैं। नंबर 3 पे आए तो आती है मारुति ब्रेजा। भाई मारुति ब्रेजा ने कमाल कर दिया है, पिछले महीने 9वें नंबर पे गाड़ी थी लेकिन जबरदस्त छलांग मारी है और 3 नंबर की जो पोजीशन है उस पे कब्जा कर लिया है। जुलाई 2023 में 16,543 यूनिट्स बिकी हैं ब्रेजा की। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ये गाड़ी आपको मिल रही है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। ब्रेजा की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 8,29,000 से और जाती है 14,14,000 रुपए तक। 17 से लेकर 26 तक की जो माइलेज है वो पेट्रोल और सीएनजी में कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है। ब्रेजा में जो नया अपडेट है वो आ चुका है कि स्मार्ट हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी है वो इस गाड़ी से हटा दी गई है, तो जो माइलेज है वो थोड़ी सी कम ब्रेजा में यहाँ पे हो चुकी है। फिर भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अगर देखें तो बढ़िया पावरफुल इंजन आपको मिल रहा है, अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, सेफ्टी भी अच्छी खासी मिलती है, तो उस हिसाब से एक बढ़िया पैक कहीं ना कहीं आपके लिए भी ब्रेजा साबित हो सकती है। नंबर 2 पे आए तो आती है मारुति बलेनो। और मारुति बलेनो भाई पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है, महीने दर महीने बढ़िया जो बिक्री है वो मारुति बलेनो की होती जा रही है और फ्रोंक्स आने के बाद भी 2 नंबर की जो पोजीशन है वो मारुति बलेनो ने पकड़ ली है। यहाँ पे मारुति बलेनो की 16,725 यूनिट्स बिकी हैं। पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन में आपको मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिल जाती है। मारुति बलेनो की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 6,61,000 से और जाती है 9,88,000 रुपए तक। 22 से लेकर 31 तक की जो माइलेज है वो बलेनो के लिए कंपनी क्लेम करती है, यानी कि माइलेज, इंजन, पावर, परफॉर्मेंस, स्पेस सब कुछ बढ़िया आपको गाड़ी में मिल रहा है, फीचर्स भी अच्छे इस गाड़ी में मिलते हैं, तो आप भी इस गाड़ी के लिए आसानी से जा सकते हैं। नंबर 1 पे आए तो 1 नंबर का जो ताज है वो वापस से स्विफ्ट ने अपने सर पे ले लिया है, यानी कि भाई 1 नंबर की पोजीशन पे मारुति स्विफ्ट किंग बन के बैठ चुकी है। यहाँ पे 17,896 यूनिट्स बिकी हैं स्विफ्ट की। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन में आपको मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन में मिलती है। स्विफ्ट की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 5,99,000 से और जाती है 9,03,000 तक। 23 से लेकर 31 तक की जो माइलेज है वो पेट्रोल और सीएनजी में कंपनी इस गाड़ी के लिए क्लेम करती है, तो जबरदस्त हैचबैक है, बढ़िया इंजन आपको मिल रहा है, परफॉर्मेंस है, रीसेल जबरदस्त मिलती है
और लोगों का जो प्यार है स्विफ्ट की तरफ, उसकी वजह से ये गाड़ी भाई एक नंबर की पोजीशन पे आ गई है। अब बात करते हैं टाटा पंच की, जो कि ऐसी गाड़ी है पिछले कई महीनों से टाटा का नाम रोशन कर रही थी, टॉप 10 की लिस्ट में आती थी, लेकिन इस महीने ये गाड़ी भाई 11वें नंबर पे पहुंच चुकी है, यानी कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट से ये गाड़ी बाहर हो चुकी है। टाटा पंच की 12,019 यूनिट्स ही बिक पाई है, थोड़ी सी यूनिट अगर और बिक जाती तो 10वें नंबर की जो पोजीशन है वो टाटा पंच ले सकती थी, लेकिन भाई कुछ भी हो, जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं, जो डाटा है वो आपके सामने है, ये गाड़ी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुकी है, या ये कह लो कि 10 की 10 गाड़ियों ने मिलकर इस गाड़ी को भाई लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो अगले महीने देखेंगे कि कौन सी गाड़ी किस नंबर पे जाती है, क्या उलटफेर होता है। अभी के लिए बस इतना ही। तो यही था आज का वीडियो, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स इन जुलाई 2023 इन इंडिया की जो डिटेल्स हैं वो आपने देखी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।